शुरू करते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करते हैं भाई, यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं, तो आप में से कोई बता सकता है क्या यूरोपियों से हमारा पहली बार सामना हो रहा था? नहीं, देखिए खास बात समझिए, ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में जो ट्रेड था वह बहुत समय से चला आ रहा था। इवन अगर आप देखिए तो भारत की संपत्ति से लालायित होकर के पहला जो विदेशी आक्रमणकारियों में से हैं उनमें से एक है ग्रीक इन्वेडर्स। पहले विदेशी आक्रमणकारियों में एक्सेप्ट हखमनी डायनेस्टीज की अगर हम बात करें, दारियावहू की बात छोड़ दे जिसको डेरियस फर्स्ट कहा जाता है, तो जो ग्रीक इन्वेडर्स है उनकी अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर, ठीक है, वो आता है भारत। हालांकि कुछ कहते हैं कि पोरस से परास्त हो गया, कुछ कहते हैं कि पोरस परास्त हुआ, जो भी इतिहास की बातें हैं उसमें पहली बार अगर हम देखें तो यूरोपियंस के साथ हमारा जो है ट्रेड रूट स्टेबल हो गया। आगे चल करके अगर आप देखेंगे तो अरिका मेडू वगैरह से हमारे व्यापारिक संबंध रोमन एम्पायर के साथ रहे, तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों की ये श्रृंखला बनी रही। लेकिन जब क्रुसेड हुआ, क्रुसेड यानी धर्म युद्ध हुआ, तब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, और कुस्तुनतुनिया पर जब इस्लामिक इन्वेडर्स ने अधिकार कर लिया और यूरोप और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रूट था, जो एशिया के बीच में, ईस्ट एशिया के बीच में जो ट्रेड रूट था वह जब समाप्त होने लगा, तब कंपनियां जो है वह यहाँ के मसालों को लेकर, चूंकि भारतीय मसालों की बड़ी जो है डिमांड थी यूरोप में, यूरोप में खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए और उनको टेस्टी बनाए रखने के लिए भारतीय मसालों की, इवन एशिया के मसालों की बहुत डिमांड थी, और इन एशियाई मसालों को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है हुआ करती थी। अब इसको लेकर के जो है आप देखिए तो तमाम सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आना शुरू करती है। अब भारत आने वाली कंपनियों में अगर हम देखें तो पुर्तगाली सबसे पहले रहे। पुर्तगाली वास्को डिगामा के नेतृत्व में 1498 में पुर्तगाली जो है वो पहले बार आए, मालाबार तट पे कालीकट के शासक जमोरिन नामक जो टाइटल धारण करता था उसके यहाँ पहुंचे और वहां पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित किया उन्होंने, एक ट्रेड जो है सेंटर स्थापित किया जिसको व्यापारिक चौकी कहा जाता है। जल्द ही उन्होंने पूरा हिंद महासागर में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार करना शुरू कर दिया। इन अधिकारों को देख करके हॉलैंड, नीदरलैंड जिसको कहते हैं, डच शासक वहां पर जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाते हैं। लेकिन उससे लगभग 100 साल बाद 1498 में वो आता है, 1595 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और जल्द ही उन्होंने मसाला व्यापार में पुर्तगाली एकाधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। आगे चल करके अगर हम देखें तो गुजरात तट पर डचों का व्यापारिक एकाधिकार वह बढ़ता चला जाता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही डच हावी होने शुरू होते हैं, इंग्लैंड को लगता है कि वह भी भारत में व्यापार कर सकता है, और 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वह एक जो है व्यापारिक एकाधिकार चार्टर के साथ होती है जो कि उस समय की महारानी ने उनको दिया। अब आगे चल करके उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टेबल किया, जहांगीर से अनुमति लेकर के। कैसे किया उसको हम पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं, किस तरीके से हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो डेनमार्क के जो निवासी हैं वह आना शुरू किए, तो डेनिश लोग आते हैं, और फिर जो है फ्रेंच, और सबसे लास्ट में आते हैं स्पेनिश। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। फ्रेंच जो है यह लगभग 1664 में आते हैं व्यापार करने को लेकर के, 1664 में कंपनी स्टेबल होती है, और पांडिचेरी कराईकल याना माहे चंद्रनगर जैसे स्वतंत्र जो है प्रदेशों के बाद अगर हम देखें तो फ्रांस जो है फ्रांसीसी कंपनी अंततः विदा लेती है। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। ऑर्डर आप लोगों से पूछा जाता है, ऑर्डर को याद करने को लेकर के ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं, उसको ध्यान में रखिए। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप लोग ट्रिक को नोट डाउन कर सके। ट्रिक क्या है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की? पुत्र अड़ा डैड फंसा, याद रहेगा ना? ठीक है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुर्तगीज 1498 1498 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आती है तो 1602 में आती है। हालांकि इस
अगर आपसे यह पूछा जाए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बेरिंग आदे ओस्ट इंडिसे कंपनी कहा जाता है, VOC कहा जाता है, आगे चल करके पढ़ेंगे इसको अभी हम इस चैप्टर में, तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1595 में ही हो चुकी है, 1595 में ही हो सकती है। और इसीलिए कई सारी किताबों में आप लोगों को एक चीज और मिलेगा, कभी कभी क्या होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया पूछ लेता है या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, तो ध्यान से समझे रहिएगा, जब इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बाद में स्टेबल होती है, आगे अभी समझाएंगे कि कैसे ये डेट हुआ है, डेट वाइज हम हर एक चीज आपको समझाएंगे। फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रेंच और देन स्पेनिश 1731 में आते हैं, लेकिन जल्द ही स्पेनिश, सबसे पहले स्पेनिश जाते हैं, तो ये ध्यान में रखे रहिए कि सबसे पहले जाने वाले जो है वह स्पेनिश है, ठीक है। तो ये जो है ऑर्डर याद रखे रहिएगा, आपको ट्रिक समझ में आ गई, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुर्तगीज देन अंग्रेज देन डच देन डैन देन फ्रेंच देन स्पेनिश, तो ये जो है ऑर्डर आप ध्यान में रखे रहिएगा, और इनके कंपनियों के सीक्वेंस इंडिया में आप ध्यान में रख लीजिए किस तरीके से कंपनियां आई हुई हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये बात होपफुली आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द एडवेंट ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगालियों के आगमन की कहानी समझते हैं कि कैसे पुर्तगाली आना शुरू हुए और क्या वास्को डी गामा केवल एक ही बार आया या वो दो बार आया या तीन बार आया या कई बार आया, कितनी बार वास्को डी गामा भारत में आया हुआ है और कब कब उसके साथ कौन कौन सी घटना हुई है, कब वो जो है पुर्तगाल से चलता है, किसके आदेश से चलता है और कब कब वो कौन कौन सी यात्राएं करता है, किस तरीके से करता है, कब उसके साथ मन बिगाड़ होता है, तो इन सभी चीजों को लेकर के चलते हैं, पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप लोगों को डेट वगैरह दिखे। 1498 वास्को डी गामा का यात्रा अगर हम देखें तो ये शुरू होता है 1497 में, यह समुद्र के रास्ते चलना शुरू करता है। पहला यूरोपीय अभियान अगर हम देखें, समुद्री अभियान जो कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात, हालांकि उसके पहले व्यापार होता था, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा कि जो मतलब लोकल जीके की बुक में आप पढ़ते हैं ना कि भारत का खोज करता है वास्को डी गामा, ऐसा कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा, लोकल जीके की बुक्स को पढ़ना बंद कर दीजिए आप लोग, ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात पहली यात्रा करता है वास्को डी गामा और इसके लिए 8 जुलाई 1497 को यह पुर्तगाल के लिस्बन नामक शहर से रवाना होता है, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, यहां से यह 8 जुलाई 1497 को यहां से यह निकलता है और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है, जिसे आजकल कोझिकोड कहा जाता है, और यह कहां पर स्थित है तो केरल के मालाबार कोस्ट पर है। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो कालीकट का शासक जो यहां पर हिंदू शासक है उसका टाइटल है जमोरिन, ठीक, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखे रहिएगा, उसका टाइटल क्या है जमोरिन, यह जो जमोरिन टाइटल वाला शासक है का मतलब है कि जमींदार, एक्चुअली क्या है ना कि जमींदार को इन्होंने जमोरिन कहा होगा ऐसा इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि जमींदार को इन्होंने जमोरिन कह दिया क्योंकि जमींदार साहब कहा जाता रहा होगा जो कालीकट का शासक है। यहां पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही इन दोनों के संबंधों, क्योंकि वो व्यापारी है और लुटेरा भी है, तो ये लूट मार करना शुरू कर देता है और अपने व्यापारी के एकाधिकार के चक्कर में वहां बसे हुए व्यापारियों को जबरदस्ती हटाना शुरू कर देता है। इससे जमींदार जो कालीकट का है उसके साथ इसके संबंध बिगड़ जाते हैं और 29 अगस्त 1498 को इसको, अब आप समझिए 20 मई 1498 को आता है और 29 अगस्त 1498 को इसे
कालीकट छोड़ करके वापस जाना पड़ता है और सितंबर 1499 में ये पुर्तगाल वापस लौट जाता है। सितंबर 1499 में खास बात समझिए कि जब ये वापस लौटता है तो इसने कई सारी चीजों को बदल करके रख दिया। जैसे अब यूरोप के देशों के लिए एक समुद्री व्यापारिक मार्ग मिल गया जो कि केप ऑफ गुड होप होते हुए उत्तमाशा अंतरीप होते हुए भारत आ रहा। अब यहां पर एक खास बात समझिएगा, क्या इसको यहां भारत पहुंचने को लेकर के किसी ने मदद किया था? हाँ बिल्कुल मदद किया था। एक जो है व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल मनीज, वह जो है लेकर के आता है, तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा, इब्न अल मजीद या अब्दुल मजीद उसको कहा जाता है, वह जो है उसको भारत लेकर के आता है, कालीकट लेकर के आता है। और खास बात समझिए कि अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित समुद्री व्यापारिक मार्ग यूरोपियंस के लिए ओपन हो गया, जो कि अभी तक यूरोपियंस जो है वो अरब से उत्तमाशा अंतरीप से व्यापार करते थे। अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने किया था? तो केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा अंतरीप की खोज वह किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। तो यह भी पॉइंट आप ध्यान में रखे रहिएगा कि बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अब आते हैं कि किस तरीके से पुर्तगीज फैक्ट्री स्टेबल होती है। हालांकि हम जो है यहां पर पहले आप लोगों को वास्को डी गामा के बारे में बता देते कि वो सिर्फ एक बार नहीं आया है, वो तीन बार आया है। दूसरी बार ध्यान से समझिएगा कि दूसरी यात्रा वह पेड्रो अल्वारेस कैब्राल करता है, लेकिन यहां पर ध्यान से समझिएगा कि उस दौरान भी पेड्रो अल्वारेस कैब्राल के नेतृत्व में जब 1502 में अभियान आता है तो वास्को डी गामा उस अभियान के साथ भी आता है। अब यहां पर एक खास बात समझिएगा कि कैब्राल ने कालीकट और अन्य बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया क्योंकि उसकी जहाजों में अब तोपें लगी हुई थी। अब तोपें लगी हुई जहाजों को उसने कैप्चर मार दिया और उससे जो है तटीय स्थितियों को जब उसने कैप्चर कर लिया तो स्थितियां जो है वह बिल्कुल अलग होने लगी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि किस तरीके से उसके समय में परिस्थितियां वह बदली हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि परिस्थितियां बदली कैसे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा कि इन्होंने जैसे ही कब्जा करना शुरू किया 1500 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ये कहां पर? तो पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है कालीकट में। सो ये मैप में आप देख सकते हैं यहां पर कहां स्थापित हुआ है पुर्तगीज पहली फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो कालीकट में स्थापित हुआ है, ठीक है। लेकिन ये गोडाउन टाइप का था, यानी यहां पर कुछ उत्पादन नहीं हो रहा, ये गोडाउन है, यानी कलेक्ट करके यहां पर इकट्ठा कर रहे और फिर यहां से ट्रेड लेकर के जा रहे। पर इसीलिए कई सारी किताबों में इनको पहली फैक्ट्री के रूप में कोचीन को मान्यता मिलती, क्योंकि फैक्ट्री का मतलब है कारखाना जहां पर उत्पादन हो रहा। तो इसको स्टोर हाउस के रूप में चूंकि इस्तेमाल किया गया है इसीलिए बहुत सारी किताबों में इसको पहली फैक्ट्री के रूप में नहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। कब स्थापित किया गया है? तो फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री 1500 में कहां स्थापित की गई? सो वो भी ध्यान में रखे रहिएगा, पहले कालीकट में स्थापित की गई है, वो एक गोडाउन है। देन उसके बाद उसके पश्चात कहां स्थापित की गई है? तो उसके पश्चात जो है कोचीन में स्थापित की गई है। सो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं, इन पॉइंट्स को आप जो है दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। किस तरीके से चीजें हुई हैं ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब एक खास बात समझिए कि जब दूसरी बार वो यात्रा करके 1502 में पहुंचता है ना पुर्तगाली बेड़े के साथ, तब पुर्तगालियों का अगर हम देखें तो वह नियंत्रण बढ़ता चला जाता है। अब पुर्तगालियों का नियंत्रण वह भारत के ऊपर बढ़ता चला जाता है। तीसरी बार वास्को डी गामा फिर आता है 1524 में। 1500 क्यों बार बार आता है वो समझिए, जब पहली बार गया ना इतना पैसा उसने कमाया, जब पहली बार यहां से गया तो उसकी जो पूरी की पूरी यात्रा का टोटल खर्चा था उसका लगभग 24 टाइम्स उसने प्रॉफिट कमाया पूरे खर्चे का। आप समझिए कि वहां से लेकर के चलने से लेकर के और जितना भी उसका पैसा खर्चा हुआ था उसका लगभग 24 गुना प्रॉफिट उसने कमाया। अब इसको देख करके लोग जो है चल दिए और अचानक से वास्को डी गामा पुर्तगाल के धनी मानी व्यक्तियों में शामिल हो गए।
तो सब कि भारत चलो भाई, वहां से व्यापार करके आएंगे, हम धनी हो जाएंगे। और इसलिए जो है वास्को डिगामा भी बार बार यात्रा कर रहा है। पहली बार 1498 में आता है, दूसरी बार 1502 में पेड्रो एल्वारेज कैब्राल के साथ आता है, और तीसरी बार 1524 में आता है। और यहाँ पर एक स्थानीय कबीलाई नेताओं के साथ जो है उसकी झड़प होती है, और उसमें यह जो है मारा जाता है। ठीक है, यहाँ के लोगों के साथ वह बर्बरता से बहुत पेश आता है, बेहद बर्बर हो जाता है। कई स्त्रियों को जो है जबरन अपहरण कर लेना, लोगों को दास बना करके बेच देने वाली स्थितियां कर लेता है, और उनके परिवारों को उठा ले जाता है। इस तरीके की हरकतें करता है, इससे जो है लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। और इसी दौरान अगर हम देखें तो जब तीसरी यात्रा के दौरान आता है तो 1524 में कोचीन में हुई एक झड़प में वास्को डिगामा मार दिया जाता है। तो यहां पर ध्यान ये रखे रहिएगा कि किस तरीके से चीजें रहे। अब आते हैं जब फर्स्ट फैक्ट्री की हम बात करते हैं। ये तो हो गया वास्को डिगामा की पूरी कहानी। नाउ कम टू द फर्स्ट फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो पेड्रो एल्वारेज कैब्राल एक बड़ा व्यापारी है, और ये जो है पुर्तगाल के राजा मैनुएल फर्स्ट है। उस समय पुर्तगाल का राजा कौन है तो मैनुएल फर्स्ट है, मैनुएल प्रथम है। यह जो है 13 जहाजों का एक बेड़ा लेकर के पेड्रो एल्वारेज कैब्राल यह जो है भारत की तरफ चल देता है। अब यहां पर कैब्राल का बेड़ा जो है वह 9 मार्च 1500 को लिस्बन से चला, और यहां पर कैब्राल का बेड़ा पहले ब्राजील की तरफ गया भटकते हुए, 22 अप्रैल को ब्राजील पहुंच गया, लेकिन फिर वहां से यह वापस लौटता है, और फिर यह वापस लौटते हुए 13 सितंबर 1500 को कालीकट पहुंचता है। तो समझिए यह चलता कैसे है, किस तरीके से। 9 मार्च को पेड्रो एल्वारेज कैब्राल की अगर हम बात करें तो 9 मार्च 1500 को ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चलता है, और 22 अप्रैल को ये ब्राजील पहुंच जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन ब्राजील से ये फिर चल देता है, और फिर ये इंडिया की तरफ चलता है, और पेड्रो एल्वारेज कैब्राल 13 सितंबर 1500 को कालीकट पहुंचता है, और यहां पर पहली फैक्ट्री की स्थापना कर लेता है। अब एक खास बात समझिए कि जैसे ही ये फैक्ट्री की स्थापना होती है और इनका व्यापार बढ़ना शुरू होता है, तो यहां पर हावी रहे जो अरब मुस्लिम व्यापारी हैं, इन्होंने अपना पूरा एक गुट बनाया और पेड्रो एल्वारेज कैब्राल के कारखाने पर हमला कर दिया। दिसंबर 1500 में पुर्तगालियों के ऊपर हमला होता है, और इसके बाद पेड्रो एल्वारेज कैब्राल ये तय करता है कि अब हम सैन्य ताकत के रूप में उभरेंगे, क्योंकि जमोरिन उसकी रक्षा करने का वचन नहीं देता है। तो कहता है कि हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, इसलिए हमें जो है अब सैन्य ताकत बनना होगा। अब पेड्रो एल्वारेज कैब्राल क्या करता है, वो सैनिक रूप में अपनी ताकत बढ़ाना शुरू करता है। कैसे बढ़ाना शुरू किया है वो समझ में आया कि नहीं। जो अरब व्यापारी हैं वो दिसंबर 1500 में इसके कारखाने पर हमला कर देते हैं, जो पहली फैक्ट्री इसने स्टेबल किया वहां पर हमला होता है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे तमाम सारी चीजें होती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जो हमला होता है क्यों इसमें इतना रुचि लेता है, क्योंकि इसके विश्वस्त 50 लोग जो इसके साथ थे ना वह मारे गए। जब इसने जो है बड़ी तेजी से हमला किया तो कैब्राल कोचीन के लिए रवाना हो जाता है। कालीकट के शासक जमोरीन से उसकी जो सिस्टम गड़बड़ाती है, जो तमाम सारी स्थितियां गड़बड़ होती हैं, तो फिर ये निकल जाता है और कोचीन के लिए रवाना होता है, और कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्टेबल करना शुरू करता है। तो फैक्ट्री यहां पर स्टेबल हुई है 1500 में, कोचीन में ये आ गए हैं और 1502 में फैक्ट्री स्टेबल किए। सो ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पहली फैक्ट्री, पहला गोडाउन कालीकट में, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहां पर स्टेबल किया है इन्होंने, फिर इन्होंने
अपनी स्थितियां स्टेबल की हैं, वह जो है आपके कोचीन। सो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल की कहानी। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल की कहानी के बाद अगला जो पुर्तगाली बेड़ा आता है ना 1505 में, 1505 में, मैं यहां पर हट रहा हूं फिर से ताकि आप लोग चीजों को देख पाए, चीजों को समझ पाए, ठीक है? तो ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा इसको, क्लियर है? अगला है 1505 में आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब आप लोगों से एक सवाल पूछा जा सकता है कि भाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है 1505 में, तो ये भी ध्यान में रखे रहिएगा। और ये आता है बड़ी सैन्य ताकत के रूप में बन करके आता है। क्यों आता है? तो ये चीज समझिए कि पुर्तगाली वायसराय बन करके आता है। वायसराय का मतलब ये प्रतिनिधि बन करके आ जाता है, और प्रतिनिधि बन के आने के बाद तो इसने जो तबाही मचानी शुरू की ना इंडिया में, बेहद बड़े रूप में ये तबाही मचाना शुरू कर देता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा कि ये तबाही मचाना शुरू कर देता है, और अरब व्यापारियों के खिलाफ तो हमले की पूरी श्रृंखला ये शुरू कर देता है कि कैसे अरब व्यापारियों को हमको तोड़ करके हटाना है, इस चीज को ये पूरी तरह से शुरू कर देता है। और आगे चल करके अगर हम देखें तो हिंद महासागर में अपने अधिकार को बनाए रखने को लेकर के ये बहुत तेजी से अरब व्यापारियों को रिप्लेस करना शुरू करता है, हटाना शुरू करता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखे रहिएगा। 1505 में आ करके जैसे ही पहुंचता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वायसराय बन करके, वह एक अलग सेंटर बनाता है गोवा को। गोवा में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने व्यापार की शुरुआत कब की, गोवा पर अधिकार नहीं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोवा में व्यापार की शुरुआत कब किया, तो ध्यान से समझे रहिएगा, व्यापार की शुरुआत इन्होंने 1505 में ही कर लिया है, 1505 में ही कर लिया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख रहिएगा कि इन्होंने गोवा में जो है 1505 में ही शुरुआत कर लिया है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि शुरुआत व्यापार की कब किया गोवा में, 1505 में। कौन करता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करता है। गोवा पर अधिकार को लेकर के पूछा जाएगा तब वो अलग चीज है। अब पहला स्थाई इनकी फैक्ट्री, फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, वह कहां है? व्हेन ही कैप्चर्ड द पोर्ट ऑफ गोवा, जब इन्होंने गोवा के बंदरगाह को अधिकृत कर लिया, तब इनका पहला जो है परमानेंट सेटलमेंट बना, यहां पर स्थाई बंदोबस्त बना। आगे चल करके गोवा जो है पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनती है और इनके वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यह एक खास बात समझिएगा कि 1509 तक आते आते जब पूरी तरह से यह यहां पर झड़पें शुरू हो जाती हैं और चीजें होने लगती हैं, तो बीजापुर का सुल्तान हस्तक्षेप करता है। अब बीजापुर के सुल्तान के हस्तक्षेप के पश्चात पुर्तगालियों की स्थिति यह हो गई कि अब उनको लड़ाई लड़नी है। लेकिन इसी बीच जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की मृत्यु हो जाती है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की मृत्यु के पश्चात एक नया गवर्नर 1510 में बन करके आता है पुर्तगालियों का, उसका नाम है अफोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान से झड़प करता है, और 1510 में, यहां पर ध्यान में रखे रहिएगा कि 1510 में इन्होंने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। अब गोवा पर कब्जा हो गया पुर्तगालियों का। किससे छीना इन्होंने? बीजापुर के सुल्तान से छीना, ठीक है? खास बात समझिएगा कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ है वो जान लीजिए। अल्बुकर्क आया तो देख रहा था कि अरब व्यापारियों का समर्थन कर रहा है बीजापुर का सुल्तान, क्योंकि उसके यहां वो बहुत पहले से व्यापार कर रहे थे। अब बीजापुर के सुल्तान का एक विद्रोही था, उसका नाम था तिमोजी, जिसके ऊपर साउथ इंडिया में मूवी भी बनी हुई है। वह एक हिंदू योद्धा था जो बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ लड़ रहा था। अल्बुकर्क ने तिमोजी से गठबंधन कर लिया। तिमोजी से गठबंधन करके 25 नवंबर 1510 को
और अल्बुकर्के की संयुक्त सेना ने गोवा पर हमला कर दिया और अल्बुकर्क ने 17 फरवरी 25 नवंबर 1509 को हमला करता है और 17 फरवरी 1510 ये वो तिथि है जब पूरी तरह से 17 फरवरी 1510 को इन्होंने कब्जा कर लिया। तो 25 नवंबर 1509 से लगातार हमला होता रहता है और अंततः 17 फरवरी 1510 को गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे पुर्तगाली एस्टाडो द इंडिया जिसको कहा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य जिसको एस्टाडो द इंडिया का नाम इन लोगों ने दिया, उसकी कैपिटल बना दिया गया, उसकी राजधानी बना दिया गया। तो इस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ है। तिमोजी की का नाम भी बहुत सम्मान से पुर्तगाली इतिहास में लिया जाता है क्योंकि वो पूरा का पूरा सिस्टम को वहां पर स्टेबल करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो सिस्टम को चूंकि स्टेबल करने में बड़ी भूमिका निभाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पुर्तगालियों के पास खास बात समझिए, एक तो नौसैनिक बेड़ा था, दूसरे तिमोजी ने उनको सहायता दे दिया। बीजापुर के सुल्तान वो धार्मिक रूप से असहिष्णु थे और शोषण किया करते थे, उसी के विरुद्ध इन्होंने लोगों को संगठित किया और एक बड़ा जो है इन्होंने सेंटर अपना बना लिया गोवा को। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब आकर आगे चलते हैं। 1572 में फ्रांसिस जेवियर आता है और परमानेंट कैथोलिक मिशनरी स्टार्ट होती है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने को लेकर के भारतीयों पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ईसाइयत में कन्वर्ट करने का काम कौन शुरू करता है इंडिया में, अगर ये सवाल आ जाए, और कब से शुरू होता है, तो 1572 में विधिवत मिशन भेजा गया और फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में कैथोलिक मिशनरी आती है और वह जो है भारत में ईसाइयत का प्रसार प्रचार करती है। खास बात समझिएगा कि क्रिश्चियनिटी के भारत में और पूर्वी ईस्ट इंडीज वाले हिस्से में प्रसार को लेकर के सबसे बड़ा योगदान माना जाता है फ्रांसिस जेवियर का शुरुआती दौर में। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार को लेकर के सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है, 1572 में फ्रांसिस जेवियर ने दिया हुआ है। आगे चल करके अगर हम देखें तो 1661 तक आते आते इनकी कहानी अलग हो जाती है। मुंबई 1661 में क्या होता है कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह वह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है और पुर्तगालियों ने बंबई को, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है, उस पूरे हिस्से को दहेज के रूप में दे दिया इंग्लैंड को। और इंग्लैंड के राजकुमार ने क्या किया, उस पूरे के पूरे हिस्से को उठा करके कुछ पाउंड में, सिर्फ जो है कुछ पाउंड वार्षिक किराए में पूरा का पूरा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को सैकड़ों सालों के लिए लीज पर दे दिया, पट्टे पर दे दिया कि भाई सैकड़ों साल तक आप यहां पर रह सकते हैं, तो अनलिमिटेड टाइम के लिए उनको फ्री में मिल गया। अब पुर्तगालियों से जुड़े हुए कुछ सवाल जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, अक्सर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पुर्तगालियों का जो अस्तित्व भारत में कब से कब तक रहा, पुर्तगीज प्रेजेंस इन इंडिया अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो 1505 टू 1961 जब उन्होंने अपना स्थाई स्टार्ट किया, परमानेंट फैक्ट्री स्टेबल की है, तब से मानिएगा, 1498 मत मान लीजिएगा, पुर्तगीज प्रेजेंस इन इंडिया 1505 टू 1961 है। और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी, 1628 में, हालांकि 1633 में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कौन कौन सी रही है, इस पर भी सवाल आ सकता है। कोचीन यह 1505 से 1530 तक राजधानी रही। पुराना गोवा 1530 से लेकर के 1843 तक राजधानी बना रहा और नवा गोवा या 1843 टू 1961 यानी 1843 से 1961 तक कैपिटल सिटी रहा। तो पुर्तगालियों के विषय में इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। नाउ आते हैं
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनका कैसा है, इनकी राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, किस तरीके से है, वो ध्यान में रखे रहिए। तो इन्होंने भारत में कॉलोनी बनाई, यानी उपनिवेशवाद की शुरुआत, उपनिवेशवाद का मतलब एक ऐसी कॉलोनी जिसका संपूर्ण प्रकार से धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर प्रकार से दोहन स्टार्ट कर दिया जाए, ऐसे स्थिति को हम कॉलोनी कहते हैं, उपनिवेश बनाना शुरू किया। तो इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिया में, इन्होंने इंडिया को एज ए कॉलोनी या उपनिवेश के रूप में ट्रीट किया। उपनिवेश ऐसा स्थान जहां पर उन्होंने निवेश करके बहुत कुछ वसूला। ठीक, पुर्तगाली वायसराय कौन कौन रहे, तो पहले वायसराय की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहा 1505 से लेकर के 1509 तक, और इसी की मृत्यु के बाद अगर आप देखिए तो अल्बुकर्क जो है गोवा पर अधिकार करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा। और अंतिम वायसराय कौन है, वायसराय का मतलब कि राजा द्वारा नियुक्त किया गया, और अगर हम देखें गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता है, कंपनी द्वारा नियुक्त किया। दोनों में अंतर समझ लीजिए, राजा द्वारा जो नियुक्त किया गया वो क्राउन का प्रतिनिधि है और इसीलिए उसको वायसराय कहा जाता है। यहां पर पहला पुर्तगाली वायसराय कौन है, तो वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतिम वायसराय कौन है, तो ड्यूक ऑफ अफोंसो ड्यूक ऑफ पोर्टो है 1896 में, यह यहां से गया। तो अंतिम वायसराय 1896 में आता है। अब आते हैं गवर्नर जनरल जो कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया। पुर्तगीज गवर्नर जनरल की बात करें तो पहला कौन है, अफोंसो डी अल्बुकर्क है 1509 से 1515 तक, और पहला विस्तार इसी के समय में स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला विस्तार इसी के समय में शुरू होता है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए कि इसको जो है मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, नोट डाउन जरूर करिएगा कि कब से कब तक, 1509 से 1515 तक। और अंतिम कौन है, तो मैनुएल अंटोनियो वासेलो ई सिल्वा, यह अंतिम गवर्नर है पुर्तगालियों का जो 1958 में रहा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा, पुर्तगालियों को लेकर के इतने सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नाउ कम टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ते हैं। तो चलिए भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं और चीजों को जानते हैं, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू करिए ताकि जो है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए। अब आते ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो ध्यान से समझे रहिएगा, 31 दिसंबर 1600, एक दिन बाद होता तो कहानी ईयर बदल जाता, इसीलिए डेट याद रखे रहिएगा, 31 दिसंबर 1600 को एक जो है रॉयल चार्टर जारी किया गया, एक शाही आदेश जारी किया गया, किसके द्वारा, तत्कालीन महारानी इंग्लैंड की थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, इनके द्वारा एक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेबल किया गया, जिसको पहले जांग कंपनी के नाम से जाना जाता था, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, और इसे मोनोपोली के साथ, व्यापारिक एकाधिकार के साथ, भारत के साथ व्यापार करने के समस्त अधिकार प्रदान करते हुए इस कंपनी को स्टेबल करने को लेकर के बातें की गई। अब आते पहला कंपनी का आधिकारिक रूप से विजिट करने वाला इंडिया को कौन था, तो कंपनी की पहली भारतीय यात्रा की कमान 1601 ईस्वी में सर जेम्स लैंकेस्टर ने संभाली थी। तो ये पॉइंट भी याद रखे रहिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहली बार भारत में कौन आया था, तो 1601 ईस्वी में जेम्स लैंकेस्टर ने संभाली थी। यात्रा सफल रही और कंपनी ने मसालों, वस्त्रों और अन्य सामानों के रूप में व्यापार करना शुरू कर दिया। हालांकि ये व्यापार स्वतंत्र नहीं था, इन्होंने व्यापारियों से, भारतीय व्यापारियों और अन्य व्यापारियों से ले करके, लेन देन करके यह व्यापार करना शुरू किया। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखे रहिएगा कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रतिनिधित्व के रूप में कौन आया है, जेम्स लैंकेस्टर आया है।
जब इनकी स्थितियां सुदृढ़ होने लगी, तब 1908 में, 1908 में विलियम हॉकिंस को मुगल साम्राज्य में कंपनी के राजदूत के रूप में भेजा गया। वह इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर के आया, जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर के आया। लेकिन ये लेटर जो है वो अकबर को संबोधित था, क्योंकि जब चला था ये तो इसके पास सूचना थी कि भारत का सम्राट कौन है, अकबर है। और जेम्स प्रथम ने, इसीलिए जो लेटर लिखा हुआ था वो अकबर को संबोधित था। लेकिन जब ये यहां पहुंचा तब तक अकबर की कहानी खत्म हो चुकी थी, जहांगीर गद्दी पर आ चुका था। हॉकिंस सम्राट जहांगीर से मिलने के लिए आगरा की यात्रा करता है और सम्राट को ढेर सारे उपहार भेंट करता है। इसने व्यापारिक फैक्ट्री स्टेबल करने की अनुमति मानी मांगी, लेकिन चूंकि लेटर जो है वो अकबर को था तो इसने व्यापार करने की अनुमति तो दे दिया, लेकिन व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति नहीं मिली। हालांकि जहांगीर हॉकिंस से प्रभावित था, और खास बात समझिएगा कि वह जो है भारत में 1608 से 1611 तक रहता है और सम्राट को अंग्रेजी रीति रिवाजों से भी परिचित कराता है, तमाम सारी बातें करता है, चीजें होती हैं। लेकिन यह 1611 में वापस लौट आता है, तो आंशिक रूप से सफल इसका हम देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है यह आंशिक रूप से सफल है, पूरी तरह से सफल नहीं है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसारने को लेकर के एक अलग व्यक्ति को भारत भेजा। उस व्यक्ति का नाम है थॉमस रो। ये नाम याद रखे रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। यह जहांगीर के नाम जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर के आता है, यानी ये एक ऐसा है जो जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर के आता है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का लेटर लेकर के आता है, किसके नाम, जहांगीर के नाम, और सीख करके आता, अरबी फारसी ये सब सीख के आता है और फारसी में बात करता है। ये मुगल एम्परर जहांगीर से मिलता है और संधि पर बातचीत करना शुरू करता है। फारसी में जब ये बात करता है, जहांगीर बड़ा प्रसन्न होता है और इसको फैक्ट्री स्टेबल करने की अनुमति मिल जाती है और पहला व्यापारिक कारखाना इसकी जहांगीर की अनुमति से वह स्टेबल होता है। कहां पर, सूरत में। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा कि इन्होंने पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्टेबल किया, सूरत में स्टेबल किया हुआ है, सूरत गुजरात में। कब स्टेबल किया हुआ है अंग्रेजों ने, 1615 में थॉमस रो जब अनुमति ले लेता है। तब होता क्या है कि जहांगीर एक तो नशेड़ी और दूसरे जो है क्रूर था, तो नशे का ढेर सारा सामान, अफीम, अलग अलग प्रकार की वाइन जो है वो देता है और बहुत अच्छी अच्छी जो है बंदूकें देता है। तो ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि जहांगीर इतना प्रसन्न होता है इसके शराब वगैरह से ना, कि इसको कहता है कि चलो मेरे साथ लाहौर चलो। तो ये आगरा से लाहौर भी जाता है जहांगीर के साथ, और फिर बीच रास्ते में आपसे एक चीज और ध्यान में रखे रहिए कि आगरा में अनुमति नहीं देता है, मिलता है ये आगरा में, और लाहौर विजिट करने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में अजमेर में यात्रा करने के दौरान आगरा से चल करके अजमेर में ये रुकता है, और अजमेर में थॉमस रो को ग्रांट देता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार थॉमस रो कहां मिला, आगरा में, थॉमस रो को अनुमति कंपनी स्टेबल करने की कहां मिली, अजमेर में मिली, ठीक है, और ये कहां कहां गया था, तो आगरा, अजमेर और लाहौर भी गया हुआ था जहांगीर के साथ साथ घूमा। ये भारत में रहता है 1618 तक और कंपनी स्टेबल करके पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार शुरू हो जाता है, एक आधिकारिक रूप में व्यापार शुरू होता है।
ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखे रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके के फैक्ट स्टेटमेंट बेस देकर के स्टेटमेंट 1, 2, 3 इस तरीके के आते हैं, तो इसलिए मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा। 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पट्टनम में, पहले उसको मद्रास पट्टनम कहा जाता था, मद्रास पट्टनम में विजयनगर साम्राज्य का एक स्थानीय शासक है, लोकल नायक है, जो कि विजयनगर एम्पायर के ध्वंसावशेषों पर बसा हुआ है। विजय नगर एम्पायर के अरविडु वंश, यहां पर जो है कौन सी डायनेस्टी थी, अरविडु डायनेस्टी। अरविडु डायनेस्टी का एक जमींदार था, उससे अनुमति लेकर के, भूमि लेकर के विजयनगर के एम्पायर के अरविडु वंश के जो जमींदार था, अरविडु वंश के शासक का एक सेनापति या जमींदार, मतलब शासन किसका था, विजयनगर साम्राज्य का, और उसका जमींदार था, उससे अनुमति लेकर के मद्रास पट्टनम नामक गांव पर इन्होंने क्या किया, आजकल जिसको चेन्नई कहा जाता है, वहां पर एक दुर्ग बनाना शुरू किया, एक फैक्ट्री कारखाना स्थापित करना शुरू किया, और इस किले का नाम रखा गया, उन्होंने रखा फोर्ट सेंट जार्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम रखा गया किले का, तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की किलेबंदी स्टार्ट कर दिया, और जल्द ही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन गया। सूरत पीछे छूट गया, मद्रास जो है वह पावर सेंटर बनता चला गया। ठीक, यहां पर एक चीज और ध्यान में रखे रहिएगा कि 1641 तक आते आते इसको हेडक्वार्टर बना लिया गया। तो अगर आपसे एक सवाल और बैक साइड में जाकर के आप लोगों को बता देते हैं, लिख लीजिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज को हेडक्वार्टर कब बनाया गया है, 1641 में, 1641 में, 1639 में उन्होंने जगह लिया। भाई किला बनाने में टाइम लगेगा ना, तो ऐसा थोड़े नहीं कि आज की तरह पता चला कि एक ही दिन में किला बन जाए, तो ऐसा कुछ तो था नहीं। तो किला बनाने में समय लगा, 2 साल का समय लगा, 1641 तक आते आते किला बन करके तैयार हुआ, और 1641 में आकर के ये पावर सेंटर बना है, या जो है इनका ताकत का केंद्र बना, 1641 से इनका पावर सेंटर बना रहा फोर्ट सेंट जॉर्ज। लेकिन पावर सेंटर जल्द ही बदलने वाला था 1690 में, 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है, वहां पर अपनी फैक्ट्री स्टेबल किया। और यहां पर एक अंग्रेज था, उसका नाम था जॉब चारनाक, जॉब चारनाक ने स्थानीय जमींदार जो कि मुगल इंपरर औरंगजेब का प्रतिनिधि है, उस समय मुगल बादशाह कौन, औरंगजेब है, औरंगजेब का प्रतिनिधि था शाइस्ता खान। ठीक, मुगल गवर्नर कौन, बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था, तो औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान। मुगल गवर्नर औरंगजेब, बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खान, जो कि शिवाजी से परास्त होकर के फिर उसको दंड स्वरूप बंगाल भेजा गया, बंगाल का गवर्नर था। शाइस्ता खान का भी एक जमींदार, उससे 3 गांव इसने ले लिए जॉब चारनाक ने, कौन कौन से, कोलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर, तीन गांवों को लेकर के इसने एक नया शहर बसाया, एक नया नगर बसाया, उसे नाम दिया इसने कलकत्ता। इस शहर को प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में धीरे धीरे विकसित करना शुरू किया गया, और आगे चलकर के पावर सेंटर यही बनने वाला था, कोलकाता, सुतानाती और गोविंदपुर को मिला करके बनने वाला जो प्रेसिडेंसी सिटी था, या इनका पावर सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये जो है आगे चल करके इनका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना है। नाउ कम टू द
एडवेंट ऑफ डच कंपनी के भारत आगमन के विषय में चर्चा करते हैं। डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड की जो कंपनी है वो, खास बात समझिएगा कि इन 1602 द वेरिंगादे ओस्त इंडिसे कंपनी, VOC यानी वेरिंगादे ओस्त इंडिसे कंपनी, ठीक है, वेरिंगादे ओस्त इंडिसे कंपनी VOC की स्थापना 1602 में हुई और धीरे धीरे इन्होंने भारत और एशिया में अपना मोनोपोली स्टेबल करना शुरू किया। नीदरलैंड के शासक ने इनको कहा कि भाई वेरिंगादे ओस्त इंडिसे कंपनी के अलावा कोई और कंपनी एशिया और इंडिया के साथ मसालों का व्यापार नहीं करेगी। इसका एक चार्टर इनको मिल गया, एक अधिनियम इनको मिल गया। तो कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कब एस्टेबल हुई है, 1602 में, ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड के शासक की अनुमति से। अब आते हैं भारत में इन्होंने अपना पहला कारखाना कहां और कब स्थापित किया। 1605 में इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया, 1605 में मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट इन मसूलीपट्टनम विच इज नाउअडेज नोन एज मछलीपट्टनम, जिसे आजकल मछलीपट्टनम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रहा। 1609 में आते आते पुलिकट, जिसे आजकल पझावेर कडू कहा जाता है, पुलिकट या पझावेर कडू में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित कर लिया और इनका पावर सेंटर पुलिकट बन गया। मसूलीपट्टनम से तकरीबन कुछ मील साउथ में अगर हम देखें तो मैप अगर देखोगे आप लोग तो मसूलीपट्टनम से कुछ मील दूरी पर ही पुलिकट स्थित है, यानी इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और कौन से कोस्ट पर है, कोरोमंडल कोस्ट पर। अगर आप लोगों को कोस्टल एरिया के विषय में जानकारी होगी तो कोरोमंडल कोस्ट पर है मसूलीपट्टनम और पुलिकट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा कि 1609 में इन्होंने फैक्ट्री स्टेबल किया और 1610 में आकर के इनका पावर सेंटर बन गया पुलिकट। मसूलीपट्टनम से पावर सेंटर हट गया। अब एक सवाल आता है कि भाई इन्होंने पश्चिमी तट पर सबसे पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित किया, तो 1616 में, 1616 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टेबल किया। तो वेस्टर्न कोस्ट पर पहली फैक्ट्री ध्यान से समझे रहिएगा, पश्चिमी तट पर इन्होंने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया है, सूरत में कब स्थापित किया है, 1616 में, 1616 में, ठीक है। आगे चल करके 1653 में इन्होंने, सॉरी 1641 में, 1641 में, यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, 1641 में, 1641 में इन्होंने विमलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया है। देन 1653 में चिनसुरा बंगाल, और विमलीपट्टनम जो है वो पुलिकट से कुछ मील दूरी पर है। तो सबसे अगर हम बात करें इनका जो ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, नॉर्थ टू साउथ इनकी फैक्ट्री का ऑर्डर पूछा जाता है, तो सबसे नॉर्थ में ईस्टर्न कोस्ट पर क्या हो गया, चिनसुरा हो गया, जो 1653 में स्थापित हुआ। उसके बाद जस्ट बाद मसूलीपट्टनम है जो 1605 में स्थापित होता है, ठीक, और उसके बाद है पुलिकट जो कि 1609 में स्थापित होता है, और उसके बाद है विमलीपट्टनम जो कि 1641 में स्थापित होता है। तो ये ऑर्डर आपसे पूछा जाता है नॉर्थ टू साउथ, तो पहले चिनसुरा, तब मसूलीपट्टनम, तब पुलिकट और तब विमलीपट्टनम है।
ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखे रहिए, क्योंकि यहां पर आपसे सवाल बनता है। नाउ इनकी स्थिति को देखते हैं, 1664 में इन्होंने पुर्तगालियों से लड़ाई करना शुरू कर दिया, और पुर्तगालियों से कोचीन, जिसे कोची कहा जाता है, केरल में स्थित कोचीन की फैक्ट्री उनसे छीन लिया। 1664 में आते आते डचों और पुर्तगालियों में लड़ाई हुई और डचों ने पुर्तगालियों की फैक्ट्री को छीन लिया। किससे? पुर्तगालियों से। और कोचीन इनका नया सेंटर बना। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोचीन इनका पावर सेंटर कब बना है, तो 1664 में बना है, 1664 में बना है। 1668 तक आते आते सूरत से इन्होंने अंग्रेजों और पुर्तगालियों इन सबको बाहर करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए कि अंग्रेजों को व्यापार से 1668 तक आते आते डचों ने गुजरात सूरत से रिप्लेस कर लिया। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहां पर एक और यूरोपीय शक्ति आएगी, फ्रांसीसी, वो भी तो आएंगे। अंग्रेज हो गए व्यापार में पीछे, डचों का सूरत में व्यापार बढ़ता चला गया, चूंकि ये लाभ बहुत दे रहे थे स्थानीय लोगों को, और व्यापार लाभ की स्थिति में ही चलता है। 1670 तक आते आते हुगली के चिनसुरा में इन्होंने अपना पावर सेंटर ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि 1670 तक आते आते क्यों ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि फ्रांसीसियों ने सूरत में इनको टक्कर देना शुरू कर दिया था, सूरत में बेनिफिट कम होना शुरू हुआ, तो ये बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गए अपना व्यापार लेकर। समझ में आ रहा? तो इसलिए जो है यह शिफ्टिंग का जो सिस्टम हो रहा है ना, कि कोचीन गए, फिर सूरत, पहले मसूलीपट्टनम, पुलिकट, फिर बिमलीपट्टनम, फिर चिनसुरा गए, फिर कोचीन चले गए, फिर सूरत चले गए, सूरत में व्यापार में लॉस होता हुआ दिखा, तो वापस चिनसुरा आ गए, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट चिनसुरा से हो रहा था। जहां से प्रॉफिट होगा व्यक्ति वहां पावर सेंटर बनाएगा, तो इनका पावर सेंटर चिनसुरा बन गया। लेकिन 1825 तक आते आते ये पूरी तरह से इनका व्यापारिक कंपनी घाटे में जानी शुरू हो गई। 1808 से ही घाटे में जानी शुरू हो गई थी, और 1808 से इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बेचनी शुरू कर दी थी, जगह जगह की फैक्ट्री जो है इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। 1825 तक आते आते इन्होंने अपना पूरी तरह से पूरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया व्यापारिक घाटे के कारण, और बेच करके ये चले गए। आते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। डेनिश मतलब डेनमार्क, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन यानी डेनमार्क कंपनी की बात करते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको DEIC कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है DEIC, ये इनका प्रतीक चिन्ह है, लोगो था कंपनी का, तो ये ध्यान में रख रही है कंपनी का लोगो है। अब आप देखिए कि ये लोग कैसे रहते थे, आप ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा भारतीय इनसे बहुत ज्यादा विकसित थे। इनके वस्त्र और इनकी चीजें आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीयों से ज्यादा विकसित नहीं थे, लेकिन व्यापार करने के लिए आए हुए थे, छल बल ज्यादा था, और भारतीय आपस में लूटमार किए पड़े हुए थे, और इसीलिए जो है इन्होंने अपना कहानी शुरू किया। अब आपसे सवाल एक पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित किया, तो 1616 में। 1616 में ही जो डेनमार्क था वह उस समय नॉर्वे के अधिकार में था, तो नॉर्वे और डेनमार्क का राजा था क्रिश्चियन फोर्थ जो है यह नॉर्वे और डेनमार्क का संयुक्त शासक था। नॉर्वे और डेनमार्क के संयुक्त शासक क्रिश्चियन फोर्थ ने इनको एक चार्टर जारी किया, और 1616 में ही इन्होंने ट्रैंकोबार, जिसे आजकल थरंगमबाड़ी कहा जाता है, जो कि भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित है, कोरोमंडल कोस्ट पर ट्रैंकोबार में अपना कारखाना, पहला कारखाना स्थापित किया। लेकिन 1623 में आकर के, 1623 में आकर के इनको डचों ने
निकाल बाहर कर दिया। 1623 में डचों ने इनको निकाल के बाहर कर दिया। अब इनकी कहानी गई बदल, पूरी तरह से यह आश्रित होने लगे। अब इन्होंने अपना एक नया फैक्ट्री स्टेबल किया डच कॉलोनी जो ट्रैंकोबार में थी, लगातार चीजें कर रही थी। 1623 तक आते आते इनको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी क्योंकि डचों ने इन पर अधिकार कर लिया। अब इन्होंने 1623 में अपना नया पावर सेंटर बनाया सेरामपुर। सेरामपुर इज लोकेटेड इन बंगाल। कहां पर स्थित था? बंगाल में स्थित था सेरामपुर। यहां पर एक व्यापारिक चौकी 1623 में स्थापित किया। लेकिन 1649 तक आते आते कंपनी हो गई बंद क्योंकि व्यापारिक लाभ नहीं रह गया था। तो 1649 में आकर के डेनिस कंपनी हो गई बंद। 1670 में इसको रीस्टेबल किया गया। 1649 से 1670 तक इनका व्यापार ठप रहा था। अब इनको रीस्टैब्लिशमेंट कब किया गया? 1670 में इनका रीस्टैब्लिशमेंट हुआ। लेकिन खास बात समझिए कि ये लगातार अपनी स्थितियां बदलते रहे। ट्रैंकोबार में से हटे तो सेरामपुर गए, सेरामपुर से कंपनी ही बंद हो गई। फिर इन्होंने 1670 में अपना कार्यक्रम शुरू किया, फिर से स्टेबल किया ट्रैंकोबार में, फिर से अपनी कहानी शुरू की। 1696 में 1696 तक आते आते इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री को स्टेबल किया ओडवेटोरे में। मालाबार पोस्ट में स्थित एक गांव था ओडवेटोरे, मालाबार पोस्ट में अपने आप को स्टेबल किया। और फिर वहां से इसके बाद ये आगे बढ़े तो चंद्रनगर में खुद को स्टेबल किया और फिर इस तरीके से ये आगे चलते रहे। लेकिन 1845 तक आते आते इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई और इनको जबरदस्ती अपने सारे व्यापारिक स्थान वह ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरिया इनसे सारा स्थान खरीद लिया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति 1845 में अगर आप देखेंगे, 1845 में अगर आप देखेंगे तो इनकी स्थिति बहुत बदल चुकी है और ये पावर सेंटर में आ चुके हैं, ताकत के एक बड़े केंद्र बन चुके हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं, बात करते हैं फ्रेंच एडवेंट्स की, फ्रांसीसियों के भारत आगमन की बात करते हैं। हाउ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबल इन इंडिया, वो उसको देखते हैं कि किस तरीके से फ्रांसीसियों की कंपनी स्थापित हुई। फ्रांसीसियों की कंपनी स्थापित होती है 1644 में, 1664 में, और उस समय इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया पॉन्डिचेरी। एक्चुअल में फ्रांस में उस समय लुई 14 का शासनकाल था, लुई 14वें का शासनकाल था, रोमन लिपि में 14 लिखा हुआ है, XIV, लुई 14 का शासन था। अब इसका एक मंत्री था, वित्त मंत्री था, और उसका नाम है जीन बैप्टिस्ट डी कोलबार्ट। कोलबार्ट वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी एंड देयरफॉर दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने सरकारी कंपनी के रूप में पांडिचेरी में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। खास बात समझिए, शुरू में पांडिचेरी यह एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था, लेकिन जब फ्रांसुआ मार्टिन नाम का एक व्यक्ति फ्रांसीसी हेड बनकर के आता है तो पांडिचेरी मेन पावर सेंटर बन जाता है, मुख्य व्यापारिक केंद्र बन जाता है इन द शिप ऑफ फ्रांसुआ मार्टिन। फ्रांसुआ मार्टिन जब आता है हेड बन करके तो पांडिचेरी ये मेन पावर सेंटर बन जाता है फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखे रहिएगा। आगे चल करके 1668 में, 1668 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना
एक व्यापारिक कारखाना सूरत में भी स्थापित किया। तो आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रांसिसियो ने अपना व्यापारिक कारखाना सूरत में कब स्थापित किया, तो 1668 में स्थापित किया। तो पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया है, गुजरात के सूरत में, और पांडिचेरी, यह वलीकोंडापुरम के किलेदार से इन्होंने 1673 में लिया, और 1674 में पांडिचेरी को इन्होंने अपना पावर सेंटर बनाया। वलीकोंडापुरम जो है बीजापुर के सुल्तान के अधीन था, वलीकोंडापुरम, और उसके जो किलेदार थे उससे अनुमति लेकर के ये पावर सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रख रहेगा। 1673 में ही मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपना एक नया कारखाना स्थापित किया। आगे चल करके 1674 में पांडिचेरी, 1673 में इन्होंने ले लिया था वलीकोंडापुरम के जमींदार से पांडिचेरी को, और पांडिचेरी यह इनका मेन पावर सेंटर बना, फ्रांसवा मार्टिन के समय तक आते आते तो कैपिटल बन गया। ठीक है, 1693 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये चंद्रनगर पश्चिमी बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, और इसी चंद्रनगर की फैक्ट्री को लेकर के सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो झड़प होती है ना, वह इसी चंद्रनगर की फैक्ट्री को लेकर के होती है। तो यह भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। ठीक, 1741 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया यनम टाउन को। यनम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। यनम पर 1741 में पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे, चंद्रनगर, ये सब जो है इनके पावर सेंटर थे। तो यनम जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है, इस पर इन्होंने कब अपना अधिकार स्थापित किया, 1741 में। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में था। आगे चल करके जब डुप्ले और क्लाइव आते हैं तब कहानी बदल जाती है, और कैसे कर्नाटका वार होता है दोनों कंपनियों के मध्य, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि कर्नाटक के बैटल कैसे हुए और भारतीय शासकों की अयोग्यता और आपसी फूट का लाभ उठा करके किस क्रम में कंपनी स्टेबल होती चली गई, वो मैंने। तो पहले कंपनियों की स्थापना, जितने भी रेयर फैक्ट है, चीजें आपसे पूछी जाती हैं, सब मैंने आपको करा दिया। होपफुली आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि कब खरीदा है, कब फैक्ट्री स्थापित किया है, कब वहां पर काम शुरू किया है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इनको याद रखे रहिएगा। जैसे 1673 में वलीकोंडापुरम के जमींदार से पांडिचेरी खरीदा है।